हरियाणा के रोहतक में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 8:13 पर फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता 3.2 आंकी गई है। इसके पहले सुबह 4:25 पर भी दिल्ली एनसीआर समेत समूचे उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5 आंकी गई थी। हरियाणा के रोहतक में इस भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। जमीन के 22 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र था। हरियाणा के जींद और पानीपत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। यूपी के शामली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। तकरीबन 4:25 पर ये झटके महसूस किए गए हैं। 4:26 के लगभग भूकंप के झटके महसूस हुए, क्योंकि नमाज पढ़ के हदीस सुन रहे थे हम लोग, और जैसे एकदम से भूकंप आया, पंखे हिलने लगे, हम लोग नीचे आए हदीस सुन के और जिक्र करके नीचे आए, तो तेज था, कम से कम 5 या 6 सेकंड के लगभग भूकंप। नमाज पढ़ के फारिग हो चुके थे और हदीस सुन रहे थे, तो एकदम क्या नाम है, मतलब बिल्डिंग ऐसे हिली, मैंने लगा शायद ऐसी नॉर्मल, लेकिन जब देखा कि काफ़ी अच्छा झटका था और तमाम लोग भी इस चीज़ को महसूस किया, और महसूस करने के बाद जब क्या नाम है हुआ, तो हमने फिर अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दिया, और अल्लाह का जिक्र करा और उसके बाद सडनली नीचे आए। काफ़ी ज़ोर से झटका आया, तो हम लोग वैसे बैठ के नमाज से फारिग हो गए, हदीस सुन रहे थे, हदीस सुनते ही बस झटका आया, काफ़ी ज़ोर से झटका आया, तो हम लोग वैसे घबरा गए, फिर अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया हम लोग, चलो भाई अल्लाह के हुक्म से होते हैं जो भी होते हैं, फिर मस्जिद में ही बैठ के कुछ बच्चे घबरा के बाहर आ गए। आज सुबह 4:25 पर यह भूकंप महसूस किया गया है। ये रीजन रोहतक हरियाणा में है, ये डिस्ट्रिक्ट रोहतक हरियाणा से है सर। 5 मैग्नीट्यूड का रिएक्टर स्केल पे है और इसकी डेप्थ जो है जमीन से 22 किलोमीटर नीचे यहाँ पे है सर। ये एक्चुअली मॉडरेट अर्थक्वेक होते हैं, जैसे 5 का, तो अभी तक तो कोई किसी प्रकार की हानि या नुकसान या किसी बिल्डिंग के कोलैप्स होने या किसी प्रकार की कोई जानकारी अभी तक मिली नहीं है, और जहाँ तक है कि मॉडरेट अर्थक्वेक के साथ नहीं होगा उतना ज़्यादा, बस भूकंप के झटके जो है आसपास महसूस किए गए लोगों।